तो फिर सेमीफाइनल की जो राह है वो आसान हो जाएगी, बट अगर कहीं आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, जो कि हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो भैया फिर आप समझिए कि वर्ल्ड कप से आपका जो पैकअप है वो होना लगभग तय है। तो फिलहाल 6 विकेट से टीम इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को हरा दिया है। जो T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला खेला गया, भारत का दूसरा मुकाबला था न्यूजीलैंड से, पहला मैच भारत हार गई थी, बट दूसरा मैच भारत ने पाकिस्तान से जीता है, रोते गाते जीता है बट जीत लिया। ठीक है, जीत रोते गाते जीत लिया। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला गया था। पाकिस्तान वेमेन ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग की थी, बट बैटिंग करने के बावजूद वो ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाए, 105 रन बनाए सिर्फ, और 8 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान टीम जो है वहाँ पर 105 रन बना पाई थी। गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 19 रन 3 विकेट। श्रियंका पाटिल ने 4 ओवर में 12 रन 2 विकेट, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। बाकी रेणुका सिंह ने भी ठीक ठाक की, दीप्ति शर्मा को विकेट एक मिला, आशा शोभना इनको भी एक विकेट मिला, तो गेंदबाजी भारत ने ठीक ठाक की, जिसके चलते पाकिस्तान सिर्फ 105 पे ऑल आउट हो गई, ऑल आउट तो नहीं हुई, 8 विकेट पे 20 ओवर में बना पाई। उसके बाद उम्मीद थी कि यार भारत टीम मतलब भारतीय टीम 12 ओवर या 15 ओवर मैक्सिमम में चेस कर लेगी, ताकि नेट रन रेट बढ़ेगा, और फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया से में भी हार भी जाते हैं तो हमारे पास श्रीलंका वाला मैच रहेगा, वहां पे हम जीत के नेट रन रेट के थ्रू आगे जा सकते हैं। बट जिस तरह से भारत की कंडीशन अभी लग रही है, पहला मैच गंदी तरीके से हारे, दूसरा मैच रोते गाते आप जीते हो, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है इस ग्रुप से आगे जाने वाली है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है, भले ही 6 विकेट से आज जीते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बट ऐसा मुझे मतलब अभी तक टीम इंडिया को देखकर या उसके खेल को देखकर नहीं लग रहा कि यार ये टीम सेमीफाइनल तक जाएगी, जबकि ये शायद उनके पास सबसे बेस्ट पॉसिबल चांस है। कप्तान हरमनप्रीत कौर है, वाइस कैप्टन स्मृति मानधना है, शेफाली है, जमीमा है, मतलब सितारों से सजी हुई ये टीम है, बट परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब ये परफॉर्मेंस ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसा कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप में किया था मेंस वाले, कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाई थी, तो ना सेमीफाइनल, हाँ मेरे ख्याल से पहुंची थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ था। तो मतलब ये कहना है कि यार ऐसा परफॉर्मेंस है कि यार आप एक्सपेक्ट करते हो इस टीम से, स्ट्रांग टीम है, अच्छी टीम है, सितारों से सजी हुई टीम है, सारे खिलाड़ी एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने नई नवेली टीम उतार दी और वहाँ पे दुबई में आप मुकाबला करने जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। बट उसके बावजूद भी अगर आपकी परफॉर्मेंस इस तरह से है तो बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि टीम इंडिया आगे अपना सफ़र T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा रख पाएगी, क्योंकि चांसेस लग नहीं रहे भाई, चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान से आप जीत गए 6 विकेट से, ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में वेमेंस क्रिकेट में वैसे भी ज़्यादा जो है हाई वोल्टेज मुकाबला नहीं रहा है, इंडिया वेमेन ज़्यादातर मैचेस आसानी से जीती है पाकिस्तान के खिलाफ। ये मेंस टीम में ज़रूर एक हाई वोल्टेज प्रेशर रहता है, हालांकि वहाँ पे भी मेंस टीम का दबदबा रहा है पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड कप्स में, बट वेमेंस टीम में तो मतलब कहा ही जा रहा था कि यार बहुत टाइम बाद एक ऐसा मैच आ रहा है जहाँ पे इंडिया वेमेन टीम पर प्रेशर रहेगा पाकिस्तान से, अदरवाइज पाकिस्तान को हमने आसानी से वेमेन टीम ने हराया है, महिला क्रिकेट टीम ने हराया है, बट आज थोड़ा सा प्रेशर था और वो प्रेशर देखा, 6 विकेट से आप जीते हो, बट 106 रन के टारगेट को आपने 19 ओवर में चेस किया है, मतलब नेट रन रेट का आप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब आपकी जीत से नेट रन रेट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक थोड़ा सा इंडिया के लिए कहीं ना कहीं नुकसान वाली चीज़ है कि नेट रन रेट थोड़ा सा उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। उधर जो दूसरा ग्रुप है वहाँ पे इंग्लैंड वेमेन और साउथ अफ्रीका वेमेन, ये जो दोनों टीमें हैं वो अच्छी चल रही हैं, बाकी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड, ये तीनों के हाल वहाँ पर खस्ता है। तो मेरे हिसाब से ग्रुप बी से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आगे जा रही हैं, और ग्रुप ए से मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें टोटल मिलाकर अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप में, मुझे लग रहा है कि ये टीमें आगे जाएंगी, क्योंकि टीम इंडिया के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, खेल के मतलब खेल के तरीके को देखकर लग रहा है, टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को देखकर लग रहा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से हारे उसके बाद से अभी मुझे लगता है मोरली शायद टीम इंडिया उतनी वापस नहीं उठ पाई है। तो बैटिंग बहुत ख़राब की है भारत ने, जैसे तैसे जीत गई क्योंकि छोटा सा टारगेट था, गेंदबाजी अच्छी की थी बट बल्लेबाजी में भारत और बेहतर कर सकती थी, चेज जल्दी कर सकते थे ताकि जो नेट रन रेट है वो